अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया। तो ये मियां और बीवी के लिए बात हो रही है, अल्लाह ताला उसको कह रहा है शोहर को कि वो तुम्हारे लिए लिबास है, मतलब जो शोहर है वो अपनी बीवी का लिबास है और जो बीवी है वो शोहर का लिबास है। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं बिल्कुल एक नए वीडियो लेकर के आया हूं कि एक छोटी सी मासूम सी बच्ची की फहमो फिरासत को देखिए कि माँ बाप ने उनकी तरबियत कैसे की कि वो बच्ची कुरान की आयत को पढ़ रही है और अपने माँ को समझा रही है। पहले वीडियो के अंदर आप उसके समझाने के अंदाज को देखें, फिर मैं आगे बताऊंगा। इधर देखो आप सब लोग कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है, ये अल्लाह ताला शोहर को कह रहा है, हरे शोहर को कि वो तुम, ये मियां और बीवी के लिए बात हो रही है, अल्लाह ताला उसको कह रहा है शोहर को कि वो तुम्हारे लिए लिबास है। ये बीवी की बात चल रही है, बीवी शोहर के लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो, यानी कि मियां मतलब जो शोहर है वो अपनी बीवी का लिबास है और जो बीवी है वो शोहर का लिबास है। अब आप देखिए कितना बड़ा रिश्ता है। और एक देखिए, मान लीजिए गर्मी हो रही है, गर्मी में हम कॉटन पहनते तो है ना कपड़े, कोई लिबास हम पहनते नहीं, पहनते तो है ना, चाहे कैसा भी मौसम हो, बरसात हो और भाई गर्मी हो सर्दी हो, कपड़े तो पहनते हैं, चाहे हम सर्दियों में ऊपर से कोट जर्सी वगैरह सब कुछ पहन लेते हैं, पर अंदर का लिबास तो अंदर का लिबास है ना। तो लिबास पता ही क्या करता है, लिबास हमारे अंदर के जिस्म में कुछ चोट लगी है, कोई चीज, कोई काला गोरा कुछ भी होता है ना, उसको छुपाता है। तो इसीलिए मियां बीवी को एक दूसरे का लताल ने लिबास बताया। अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो बीवी ने अपने शोहर का कुछ वो देखा, कुछ अपने शोहर ने ऐप देखा, तो वो उसको दूसरों को ना बताए, वो अपने तक ही रखे उस बात को। और अगर शोहर ने कुछ बीवी का ऐप देखा तो वो भी अपने तक ही रखे उस बात को, दूसरे तक ना पहुंचाए, क्योंकि मियां बीवी की भी कुछ पर्सनल बात होती है। और जो लोग मियां बीवी के रिश्ते को टूटवाने चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए, दुनिया शुरू ही मियां बीवी के रिश्ते से हुई है, तो हम कौन होते हैं उस रिश्ते को टूटवाने वाले कि अल्लाह ताला ने जिस रिश्ते को दुनिया ही उससे शुरू की, तो हम थोड़े उस रिश्ते को टूटवा सकते हैं जिस रिश्ते से अल्लाह ताला ने दुनिया ही बनाई। आपने वीडियो के अंदर देखा कि एक छोटी सी मासूम सी बच्ची कुरान की एक छोटी सी आयत हुन्ना लिबासुल लकुम वअन्तुम लिबासुल लहुन्ना पढ़ करके और अपनी माँ को समझा रही है कि मर्द और औरत एक दूसरे के लिबास हुआ करते हैं। मर्द और औरत एक दूसरे के लिबास के मानिंद है और एक दूसरे के लिबास है। तो इस छोटी सी बच्ची की फहमो फिरासत को देखिए कि कुरान की आयात को पढ़ रही है और अपनी माँ को समझा रही है। जब इस तरीके से बच्चे की तरबियत होगी तो बच्चे आगे चलकर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों की दीन की फिक्र करें। जब इस तरीके से बच्चों की तरबियत देंगे तो आपके बच्चे जिंदगी के हर मोड़ पे कामयाब रहेंगे और कामयाबी उनकी कदम चूमेगी। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करें और बच्चों को कुरान फहमी सिखाएं। इस छोटी सी बच्ची की फहमो फिरासत को देखिए कि कुरान की आयात को पढ़कर कितने अच्छे अंदाज में समझा रही है। जब आप अपने बच्चों को इस तरीके से तरबियत दिया जाएगा तो वो बच्चे आगे चलकर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों की दीन की फिक्र करें और अपने बच्चों को दीनदार बनाएं।